तो यार वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है और मैं बर्लिन में रहता हूँ। कल कुछ लोगों ने मेरे को पूछा था कि भाई आपका मास्क कहाँ है। यूजली जर्मनी में फिलहाल मास्क का जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या सुपरमार्केट या रेस्टोरेंट में जा रहे हो एंटर करते वक्त तभी पहनना है, अदरवाइज नहीं पहनना है। कल मैंने व्लॉग यहीं पर एंड किया था, बाहर चलते हैं। जो कल मैंने ब्रांडबर्ग गेट दिखाया था, तो यहाँ से आज हम जा रहे हैं हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, दिखाऊंगा मैं आपको, और बर्लिनर डोम। ये दो बहुत मेन बड़े अट्रैक्शन है पूरे बर्लिन में। ट्रेन आ रही है, बस उड़ोगी स्टेशन पे, चलते हैं बाहर फिर बात करते हैं। पीछे देख रहे हो आप, ये है रशियन एम्बेसी, जो बिल्कुल ब्रैंडबर्ग गेट के सामने। कल मैंने यहीं पर तो व्लॉग एंड किया था, अगर आपको याद होगा तो। तो आप जैसे देख सकते हैं ब्रैंडबर्ग टोर जो गेट, कल वहां पर मैंने व्लॉग एंड किया था। आज हम दो मेन चीज देखेंगे, एक तो है हुम्बोल्ट जो मेरे पीछे है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। हुम्बोल्ट के बाद हम जाएंगे ये रहा बर्लिनर डोम। तो ब्रैंडबर्ग गेट जो था वहाँ से मैंने बस लिया, सिर्फ दो या तीन स्टॉप ही है यहाँ आने के लिए। ब्रैंडबर्ग गेट से दो स्टॉप पे ही हमारा ऑफिस है, निकशाला का ऑफिस है वहाँ पर, और फिर अगर आप एक स्टॉप और आगे आ जाओगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे फाइनली। एक अच्छी चीज़ बताऊं, अभी कोई टूरिस्ट आया नहीं है, नहीं तो ये जगह कभी खाली नहीं रहती। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी का जस्टिस फैकल्टी है। मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पर पीएचडी कर रहा है लॉ में। तो हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के और भी कैंपसेस हैं यहाँ पर। एग्जैक्ट सामने अगर आप देखोगे तो लाइब्रेरी है, जो खचाखच भरी होती थी जब कोरोना नहीं था, बट अभी उन्होंने बंद कर रखा है। इस तरफ अगर हम अभी आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर बर्लिनर डोम दिखाऊंगा मैं आपको। फिल्म करते करते मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है यहाँ पर बर्लिन में, हो तो वही थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा था उसको। मेरे को यही बोल रहा था कि अभी जितना भी पैसा है थूक पट्टी लगा के काम शुरू करते हैं, बाद में देख लेंगे। मैंने एक चीज़ सीखी है बिज़नेस करते हुए या कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, एज सिंपल एज बाइंग अ मोबाइल फ़ोन। मेरे को ऐसा लगता है कि आप थोड़े ना अच्छी चीज़ों में पैसा स्पेंड करो, महंगी होगी लेकिन टिकाऊ रहेगी, बहुत टाइम तक चलेगी, आप इंटरनल सेटिस्फैक्शन रहेगी। वही वेबसाइट बनाने की बात से चल रही थी, तो मैंने ना उसको एक स्टोरी बोली जो मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने बोली थी उदयपुर का। वो एक बंदा होता है फोटोग्राफर के पास जाता है, फोटोग्राफर को जाके बोलता है कि भैया आप मेरी पासपोर्ट साइज फोटो खींच दो, बट जूता भी आना चाहिए उसमें। ये वो टाइप का कस्टमर है जो 2 रुपये दे के 100 रुपये का काम करवाना चाहता है फोटोग्राफर से। अब फोटोग्राफर भी ना बहुत स्मार्ट होता है, वो बोलता है एक काम करो सर, आप जूता ना सर पे रख लो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो फोटोग्राफर है और जो कस्टमर है हमारे लाइफ में होते ही होते हैं। आपने भी कभी ऐसा किया होगा, ऑफकोर्स मैंने भी किया है कि थोड़ा कम पैसे देके देख रहे हैं कि मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। ऑफकोर्स जो सर्विस दे रहा है वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं। ये आईटी वाले ना बहुत डेंजरस होते हैं इस सब मामलों में, कि अगर आप उनको बोलोगे ना वेबसाइट बना दे, उनका पहला सवाल ये होता है कि सर आप रिक्वायरमेंट बताओ अब भी बन जाएगा, वही फोटोग्राफर वाला स्किल यूज़ करके चिपका देगा कुछ भी। तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि अपने आप में खर्च करने से कभी मत डरना, अपने आप में इन्वेस्ट करने से, कुछ सीखना है ऑनलाइन कोर्सेज हो गए कुछ भी हो गए, अपने आप में इन्वेस्ट करने से डरना नहीं कभी। और मैं जब बोल रहा हूँ अपने आप में खर्च करने से डरना नहीं, मतलब अच्छी चीज़ों में, क्वालिटी चीज़ों में। चलो फिर चलते हैं बर्लिनर डोम की तरफ। तो अब यहाँ से निकल चुका हूँ मैं, आपको जो ये दिख रहा है राइट साइड में मेरे, ये है ओपेरा। एक और चीज़ आपको नोटिस करने मिलेगी जब आप जर्मनी आ जाओगे कि हर शहर में ओपेरा हाउसेस है, लोगों को यहाँ पर आर्ट से बहुत लगाव है। इनफैक्ट यूरोप का वो पूरा सीन है, पेरिस को ही देख लो। इसीलिए आप देखोगे काफ़ी सारे लोग आर्टिस्ट जो होते हैं वो पेरिस जाते हैं, म्यूजिशियंस हो गए, पेंटर्स हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, तो ये लोग का ज़्यादा बोलबाला है पूरे यूरोप में। अगर आप आर्टिस्ट हो या अगर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में, आई थिंक यूरोप आपके लिए सही जगह है सबसे। तो वहाँ से मैं चलते चलते ऑलमोस्ट सामने आ चुका हूँ मैं, ये रहा
बट इसके पहले ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है ये है ESMT बिजनेस स्कूल, नंबर वन स्कूल है जर्मनी की, नंबर वन तो नहीं बोलूँगा, टॉप थ्री टॉप फाइव में है। इसका लोकेशन देखो कितना डेडली है, सेंटर में पूरे, तो मैंने सोचा बता दूँ आप लोग को जाने से पहले। आगे यहाँ से देखा जाए तो अलेक्जेंडर प्लस जो टीवी टावर है यहाँ से दूर नहीं है, बट आज वहाँ नहीं जाएंगे, कल के वीडियो में जाएंगे वहाँ पर, आज सिर्फ बर्लिनर डोम तक रखेंगे। चले फिर पास में बर्लिनर डोम के, 1 2 3 तो मैं अराउंड 1.5 हफ्ते पहले म्यूनिक में था, मैं तो कुछ दोस्तों से मिला मैं जो TU म्यूनिक में पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल। हमारी ना बहुत टॉपिक पे ऐसे बात हो रही थी, ऐसे एक टॉपिक छेड़ा कि ए प्लेयर कैसे बन सकते हो आप मार्केट में, आप इतना लीथल कैसे बन सकते हो कि आपको एम्प्लॉयर बोले कि मेरे को तू ही चाहिए कुछ भी करके। तो हमारी ऐसे बातें होने लगी, लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं। मेरा ना उस पर एक टेक था कि आई थिंक आप कॉम्पिटिशन को ऑफकोर्स 100% तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब तक आप मॉन्स्टर ना बन जाओ, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जब ई कॉमर्स ब्रांड जेबोंग आया था ना, तो थोड़ा सक्सेस मिलते ही मिंत्रा जो कंपनी है उसने एक्वायर कर लिया उसको। जब मिंत्रा सक्सेसफुल हुई थोड़ी, तो फ्लिपकार्ट आके बोला ठीक है मैं तेरे को इतने में खरीदना चाहता हूँ, फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर कर लिया। जब फ्लिपकार्ट आज इतनी सक्सेसफुल कंपनी, सभी को पता है इंडिया की शायद से लाइक इंडिया की नंबर वन कंपनी है फिलहाल अभी ई कॉमर्स में, जब फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी हुई तब आया बड़ा वाला मॉन्स्टर US से वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने आधे से ज्यादा कंपनी खरीद ली है फ्लिपकार्ट की। इससे एक ही चीज की सीख मिलती है कि इतने बड़े बनो कि तुम्हारा कोई कॉम्पिटिशन ही ना हो। वॉलमार्ट का कौन है कॉम्पिटिशन आज पूरी दुनिया में? कोई नहीं है। उस डिस्कशन में ना एक बंदा बैठा था, उसकी स्टोरी मेरे को इतनी इंस्पायर करी। अलीगढ़ के कहीं पास से कोई गांव से आता है वो, वहाँ से यहाँ तक की जर्नी तय करना TU म्यूनिक तक की, और ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना इतना आसान आई एम श्योर नहीं है और नहीं था उसके लिए, और आपके लिए भी उतना आसान नहीं होगा। ये बंदा मेरे को बता रहा था कि इसके जो फ्रेंड्स हैं ना, इसको इतनी नेगेटिविटी फैला के रखे थे इसके दिमाग में। पहले बात तो उन्होंने इतना सब कुछ सक्सेस हासिल कर लिया कि इसको लगता था कि मैं आई एम गुड फॉर नथिंग। उसको मैंने ना तब एक एग्जांपल दिया कि पहली बात तू जब वहाँ से यहाँ तक आया है ये तेरी सबसे बड़ी सक्सेस है, आगे अब तू जैसा यहाँ से परफॉर्म करेगा ले जाएगा वो तेरे हाथ में, और अगर यहाँ आने के बाद वर्ल्ड के 3rd-4th largest इकोनॉमी कंट्री में आने के बाद अगर आप यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। उसको मैंने एक एग्जांपल बताया, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे इटली में जिनका नाम है लेम्बोर्गिनी, आज जो लेम्बोर्गिनी कंपनी है वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। उनका पेशा था कि वो ट्रैक्टर्स को मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है, बाय हार्ट बाय पैशन ही वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर। उनका वो बिजनेस चल रहा था, अच्छा खासा टेक ऑफ किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। दूसरे साइड पे एंजो फरारी थे जिसने अपनी फरारी जो कंपनी है उन्होंने अपना सक्सेसफुल ब्रांड लॉन्च किया। आज तुम्हें पता है फरारी कहाँ है। मिस्टर लेम्बोर्गिनी जो थे उनको ना रेस का बहुत शौक था, तो उन्होंने फरारी लेके रेस करा, तो उसमें कुछ डिफॉल्ट्स मिले उनको जो उन्होंने मिस्टर फरारी को बताए कि देखो आपकी जो कार है वो बहुत लाउड है और बहुत डिस्ट्रैक्टिव है जब रोड पे जाती है, तो और इसका जो इंटरनल क्लच है ये बार बार ख़राब होते रहते हैं। अब ये चीज़ सुन के एंजो फरारी का ना ईगो पे हर्ट हुआ कि तू ट्रैक्टर बनाने वाला, तू मुझे क्या बता रहा है कि स्पोर्ट्स कार कैसे बनाई जाती है। वो बोलते हैं ना कि सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। मिस्टर लेम्बोर्गिनी ने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं तेरे कॉम्पिटिशन में एक ऐसी कार बना के खड़ी करूँगा। आज आपको पता है लेम्बोर्गिनी कितना बड़ा लग्जरी कार्स में ब्रांड है, इनफैक्ट फरारी का सबसे बड़ा टक्कर वही है। और कहाँ से आते हैं दोनों? इटली से। दो चीज़ इससे सीखने मिलती है कि आप अपने कंपटीशन को, आप अपने कंपेटिटर्स को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आज जो जैसा परफॉर्म कर रहा है हो सकता है अगले 5 साल में वो ऐसा परफॉर्म ना कर रहा हो, एक्सेल हो रहा होगा। दूसरी चीज़, सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। किसी को बताते मत फिरो कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, करके दिखाओ।
यार आज के लिए सिर्फ इतना ही है। जाते जाते एक मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ आपको कि इतने बड़े बनो ना अपने जिंदगी में कि जब आप खड़े हो ना तो कोई बैठा ना रहे। इस चीज के लिए काम करो और फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक दबा देना और फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।